करेंगे ना, हमारे कच्छ से जितनी ऊंची जगह है ये देखो। सर रात होने में कुछ टाइम बाकी है, ये तो दिख रहा है वाजे। फुल भाई है। आपने रास्ते में भी दरख्त देखे हैं? हाँ, वो पुराने लग रहे हैं आपको? लग रहे हैं। लेकिन इस तरह जेट ब्लैक नहीं हो रहे वो, जो आप ताजी लकड़ी को जलाए भुर भुरने वाली लकड़ी जैसे होती है। दरख्त नॉर्मल पर से ऐसे हरे भरे होते हैं, खज्जू दरख्त मैंने बहुत देखे कराची में, लगे पार्कों में लगे हैं, वहाँ पे आती खज्जू, तो ये ऐसा सियाह नहीं होता कोई, कभी ऐसा तला इसका ऐसा काला नहीं होता यार। जो ये छापड़ा होता ना, ये पत्ते इसे छते बनती हैं, ठंडे होते हैं, लोग अपने डेरों पर डालने के लिए कोई भी उठाने नहीं आया। अरे फल तोड़ते नहीं है। आप ये देखें, आप जमीन दिखाई आपने, अब ये टुकड़ा देख लें आप, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ठीक है, इसको वाकई छोड़ा हुआ है सरसब जमीन के बीच में, एक ऐसा टुकड़ा जिसको इन्होंने जरखेज नहीं किया। फल नहीं तोड़ते। आग कहते थे कि हम दूर से देखते थे आग के गोले निकल रहे हैं इसमें से, और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर से स्याह हुआ है, जला हुआ है। ऊपर तो उस जगह तो बिल्कुल बर्नर नहीं, जैसे बर्नर निकलते हैं वहां से। ये सात दरख्त हैं जी, ऐसा किसी का हाल नहीं है। सात दूसरा खजूर का दरख्त है, उसका ये हाल नहीं है। और हम लोग शायद वाहिद हमने क्या कहेंगे, दिलेरी दिखाई है कि हम यहाँ पहुँचे। अब आपको मैं बताऊँ, कोई नहीं है। वो मगरिब का हमें कहा था ना इधर आए, वो भाई वो नज़र आ रहे होंगे आपको, वो देखें वो कमीशन वार नज़र आ रही होगी ब्लू, वो झाड़ियों के पीछे दूर, मैं जूम करता हूँ। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप जी, ये लोग खड़े हुए हैं जी, जिन्होंने हमें कहा कि आप अभी देख लें, वो भी हमारे साथ आए हैं लेकिन दूर खड़े हैं। तो आएंगे भी नहीं साथ हमारे से, तो अभी नहीं आए तो रात में कौन आएगा साथ, हमें खुद ही आना पड़ेगा। गाड़ी हमारी इतनी दूर खड़ी हुई, ये 500 मीटर होगा सर, किलोमीटर है ये शायद, किलोमीटर लगे 500 मीटर, मैं चलता रहता हूँ, मुझे अंदाज़ा है ये 500 मीटर क्या है। चले आप भी वैसे चलने का कहते थे सजाद भाई, आप अभी कौन ही, हम गाड़ी में बैठ जाएंगे। नहीं अभी बस मतलब गाड़ी की तरफ चलें, गाड़ी की तरफ चलना शुरू होंगे। रात को ना पहले दूर से देखते हैं, सही सही आग के गोले निकलते नहीं निकलते, रिकॉर्ड होते नहीं होते हैं, दूर से देखते हैं। टकारी ने यहाँ वार्न किया है सर पे आके, हम जैसे जैसे से करीब बढ़ते रहे हैं उसको, लेकिन यार मुझे आँखों से दिख रहा है कि ये आग के ही निशान है, शदीद हिद्दत के निशान है, लकड़ी के अंदर दरख्त में यार, और वो फल दे रहा है, फल दे रहा है, और ये जो जल जाती है वो चीज़ खत्म हो जाती है। और ये वाकई मैं आपसे बातें नहीं है जी, ये मजाक नहीं है, दिखा के बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा एरिया है यार, देखें मेरे हिसाब से हमारे कराची के हिसाब से ये होगा 2-2.5 हज़ार गज ना। ये जी तीसरी चप्पल आ गई, बल्कि चौथी, इसी के सराउंड में क्यों है सारी। यार मैं सुना हुआ कुछ और होता है, आंखों से देखना कुछ और होता है। मैं सुन के जो अमेज़ हो रहा था, तो सोचें देख कर कितना अमेज़ हो रहा होगा। ये दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये फसलें हैं जी आसपास, सारी सरसब्ज़ हैं, और इस जगह का हाल देखें आप, देखें तो सही, बीच में सेंटर में।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई हम कहाँ मौजूद हैं? ये ज़िला शेखपुरा और गाँव मधुबन। अच्छा, आपका पूरा तारुफ? मेरा नाम यासर अली वाल मोहम्मद अली। माशाल्लाह यासर भाई। आपका मेरे भाई? अली अकबर। अली अकबर जी। ये हमने सुना था कि पूरे गांव में ये मशहूर है ये दरख्त, और कुछ वाक़यात आप अपनी आंखों से भी देख चुके हैं। जी जी। तो बताइएगा कि असल मामलात हैं क्या? क्योंकि जब हम वहाँ कब्र की खदाई करते हैं ना जी, वहाँ से बड़े बड़े जो है ना वो मिट्टी के बर्तन निकलते हैं। ठीक है। मिट्टी के जो है ना वो बहुत सारे औजार निकलते हैं, सिक्के निकलते हैं पुराने ज़माने के, मोती भी निकलते हैं जो उस दौर में लोग इस्तेमाल करते थे। मतलब जैसे हमारे पास मोहनजोदड़ो है सिंध में, वैसे हमारे पास आते रहे। ये इस रिसर्च करते हैं जो मेरा ख्याल है पुरानी जगहों पर। जी जी। तो वो आगे जब बारिश होती है ना तो वहाँ से वो फिर आते हैं, वो मोती, वो पुरानी जो मिट्टी के खिलौने, ईंटें, वो फिर उनके ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये कितना पुराना है। सही सही। तो और उन्होंने रिसर्च की भी है जी, यहाँ पे अंग्रेज़ भी आए हैं। ठीक। उन्होंने देखा आगे कि वो उन्होंने बताया, मेरे ख्याल इस पर उन्होंने लिखा भी है। अच्छा अच्छा। उनका एक अपना चैनल था, उन्होंने बढ़ाया इसके ऊपर कुछ। अच्छा अच्छा। वो खुदाई भी करना चाहता चार वहाँ पर ना एक पॉइंट है, वहाँ कोई भारी चीज़ कोई भी ग्रहण आ जाए ऊपर से तो आवाज़ बड़ी अजीब है जी, ऐसे आती जैसे कोई बम है नीचे, मतलब बम बड़ी फेंक दिया ध्रुम, ऐसे आवाज़ आती है। अच्छा। बड़ी भारी सी आवाज़। ठीक ठीक ठीक। इस तरह की आवाज़ आती है। ये दिखाइएगा मुझे जगह। मेरे पास तो सैंपल भी पड़े हुए हैं। आपने भी देखा है? हाँ जी। आप बता रहे थे एक फैमिली ने बीच में इस जगह को तोड़ने की भी कोशिश की। हाँ वो आपने देखा ही है यार। मैं पहले बता दूं, मैं सुन के आया था लेकिन मैं अपनी आंखों से देखा है कि आसपास सब जरखेज़ है, ज़मीनें हैं। ये बहुत बड़ा टुकड़ा है बीच में, तकरीबन एक एकड़ होगा। ये ऐसे ही छोड़ दिया है यार? ऐसे छोड़ दिया उन्होंने। ये कब से ऐसे ही है? ये अभी उन्होंने खुदाई शुरू की है ना, ये पहले 4 से 5 एकड़ वीरान थे। ये जो जितनी खुदाई हुई है ना ये सब वीरान थे। वैसे तो वो मलकियत है, मलकियत के अंदर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हम तो जब से पैदा हुए वो वैसे की वैसे पड़ी है। हालांकि एक बात है, कितनी बड़ी फसल उग सकती है वहाँ पे, कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ा हुआ ऐसी। वहाँ और भी बहुत ज़्यादा दरख्त हैं वहाँ पर, मतलब कभी भी किसी ने उधर जा कर बैठने के या इस तरह ज़्यादा जो है ना वो कोई भी ऐसे पार्टी वगैरह या वैसे बैठने की कोशिश नहीं की।